हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए, मैंने ना इसको फूलने के लिए डाली थी। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेथी है और अजवाइन है। तो इसको फुला के ना मैंने पानी पी थी, क्योंकि ये पानी पीने से ना पेट ठंडा रहता है और सही रहता है। क्योंकि जैसा एसिडिटी बनता है तो वो आप खाए पियेंगे ना पानी तो नहीं बनता है, पेट में दर्द नहीं होता है। इसके लिए मैंने ये फूलने के लिए डाली थी। इसका पानी मैंने पी ली हूँ, तो मैं सोची इसको वेस्ट क्यों करूँ, तो इसका कोई डिश बना लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, हम पहले से ये गुड़ है, गांव में तो ढेलवा गुड़ बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, वाइट वाला गुड़ है। और मैंने चावल भी एक मुट्ठी डाल दी थी फूलने के लिए। और उसमें देखिए मैंने अदरक डाली हूँ 50 ग्राम। और ये है दोनों मिक्स वाला, मेथी और अजवाइन। तो ये कब खाते हैं पता है? मैं आपको बताती हूँ, जब जैसे कि बच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये बनाया जाता है। तो हम सोचे कि क्यों इसको हम वेस्ट करें, तो अभी क्यों ना बना लिया जाए। लेकिन इसमें ना हमारे पास अभी दो चीज़ नहीं है। तिक्खुर जो गांव में मिलता है पर यहाँ नहीं मिलता है, तो वो तो अभी हम ला नहीं सकते। लेकिन इसमें कलौंजी डालते हैं, मतलब मंगरे लौक, काला वाला या फिर पीला वाला। लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है, तो हम उसके बिना ही बनाएंगे ये पाँच चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, ये सबको मिक्स करके ना, मतलब गुड़ को नहीं, ये सबको मिक्स करेंगे और पीस लेंगे। तो हम जार में डाल के पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जार में डाल दिया, अब हम इसको पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए पीस के मसाला रेडी हो चुका है। और अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरा चूल्हा भी बहुत गंदा पड़ा है, क्योंकि हमने साफ़ नहीं किया था अभी। ये बनाने के बाद पूरा किचन हमें साफ करना है। तो ये देखिए कढ़ाई गरम हो गया, और अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम राई का तेल डाल रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम डालेंगे फ़ौरन, मतलब राई डालेंगे थोड़ा सा, और इसको चिटकने देते हैं। और ये हमारा हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे ये जो हम पीस के रखे थे मसाले को, वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का। ऐसे डालना है इसको और मिक्स करना है। ये देखिए, और अब इसमें ना हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये ना सूख जाएगा, हमें सुखाना नहीं है इसका ना, हमें मतलब हलवा के जैसा बनाना है, लेकिन सूखा वाला नहीं, गीला वाला हलवा के जैसा। तो इसके लिए हम फटाफट पानी डाल दिया, नहीं तो वो गाढ़ा हो जाता। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसमें ना हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। कलर आने के लिए हल्दी डालेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये ना दर्द के लिए अच्छा होता है। गैस को हम कम कर लेंगे और इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो हमारा जो चावल पिसा हुआ था ना, वो अभी पक चुका है। तो अब ना इसमें हम गुड़ को डालेंगे। सॉरी, देखिए गिर गया। अब इसको इसको मतलब थोड़ा मिक्स करके गुड़ डाल देते हैं। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे हो तो उस टाइम बनाते हैं और ऐसे भी बना के खाते हैं, क्योंकि इससे ना दर्द शरीर का ठीक हो जाता है, जो जॉइंट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है उसके लिए। तो इस तरह से आप मिलाते रहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका नाम क्या है। हमारे गांव में इसको छौका बोलते हैं, छौका। ऐसे भी खा सकते हैं, बाद में बच्चे होते हैं तो उस टाइम भी खा सकते हैं, और या फिर यही सब चीज़ मिला के आप लड्डू भी बना सकते हैं। लेकिन ये आसान रहता है, रोज़ बना बना के खा सकते हैं। रोज़ मतलब 5-6 दिन खाना रहता है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है, अच्छे तरह से मिक्स हो गया है, देख लीजिए। और इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा है ना, अदरक और अजवाइन सब जो डाले हैं ना, उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए इसको अब हम थाली में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा छौंका बन के हो गया है रेडी। तो आप सब किसी के भी ऐसे पैर में, कमर में, शरीर में दर्द हो रहा तो आप ये सब बना के ज़रूर खाइएगा, और खा के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।